गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 3 साइंस। द टॉपिक ऑफ लेक्चर 4 इज नायलॉन एंड इट्स प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट। नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट इन 1931 इट वॉज मेड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, एंड नन ऑफ द रॉ मटेरियल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। मीन्स जो नायलॉन था वो पहला पूरी तरह से फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। इसको प्रिपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने ना ही किसी प्लांट के ना ही किसी एनिमल के रॉ मटेरियल को यूज़ किया था। इसको बनाया गया था कोल, वाटर और एयर के मिक्सर के थ्रू। कोल और वाटर और एयर के थ्रू बनाया गया था। अब सिंथेसिस ऑफ नायलॉन को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन। अब कैसे होता है कि एडिपिक एसिड रिएक्ट विथ हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड प्रोड्यूस नायलॉन 6,6 प्लस वाटर। इट इज कॉल्ड नायलॉन 6,6 सिंस बोथ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डायमाइन कंटेन 6 कार्बन एटम्स। अब इसे आप नायलॉन 6,6 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एडिपिक एसिड है और हेक्सामेथिलीन डायमाइन है, दोनों के पास 6-6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। अदर टाइप ऑफ नायलॉन्स आर द नायलॉन 6, नायलॉन 6,11, नायलॉन 5,10 एट्सेट्रा। ये जो दूसरे टाइप के नायलॉन होते हैं जिन्हें आप नायलॉन 6 कहते हैं, नायलॉन 6,11 कहते हैं, नायलॉन 5 and 10 भी होते हैं। डू यू नो द नेम नायलॉन इज गिवेन टू दिस फाइबर बिकॉज द मोस्ट कॉमनली नोन नायलॉन 6,6 वॉज प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। मतलब इसका नायलॉन इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये जो नायलॉन 6,6 जो प्रिपेयर्ड हुआ था वो पहले न्यूयॉर्क में फिर लंदन में इसे प्रिपेयर्ड किया गया था। अब यहाँ पे जो NY है ये न्यूयॉर्क से ले लिया गया है और LON जो है वो लंदन से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी एंड यूज़ ऑफ नायलॉन की। इट इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट इलास्टिक एंड लाइट वेट मटेरियल। Therefore, it is used for the making textile fiber, bristles for the brushes, carpets, track suits and combat uniform. Means जो nylon का use जो होता है वो textile fiber बनाने के लिए, bristol जो brushes वगैरह के bristle होते हैं उसे बनाने के लिए, carpets बनाने के लिए, track suit बनाने के लिए, इन etc. बनाने के लिए इसका use किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी है, एज इट ड्राइज क्विकली इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विम वेयर। थर्ड यूज़ की बात करें तो थर्ड यूज, सिंस इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप, यूज इन माउंटेनियरिंग, पैरा क्रचेस एंड फिशिंग नेट्स। तो आपका नायलॉन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, इसकी वजह से इसको हम रोप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, जो माउंटेन में चढ़ने के लिए काम आती है या फिर फिशिंग नेट में यूज होती है उसके लिए इस नायलॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा जो यूज़ है इसका, कि बिकॉज ये बहुत टफ होता है तो इट इज़ यूज एज द सब्स्टिट्यूट फॉर मेटल इन द बॉल बियरिंग्स एंड गियर्स। मतलब बॉल बियरिंग्स जो होते हैं या फिर गियर्स जो होते हैं उनमें इसका यूज़ कर दिया जाता है मेटल के सब्स्टिट्यूट के रूप में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट फॉर्म द व्रिंकल एंड इट नॉट एक्टेड अपॉन बाई बैक्टीरिया एंड फंगस। मतलब इसमें व्रिंकल नहीं आते हैं और इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस अटैक भी नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट यूज़ का, क्योंकि ये बहुत इलास्टिक होता है, सिंस इट इज़ इलास्टिक इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टॉकिंग, इसका यूज स्टॉकिंग के लिए किया जाता है।